हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारे फ़ोन में रियलमी C51 फ़ोन है, तो रियलमी C51 फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्टेटस और आइकन सेटिंग्स हैं, तो स्टेटस और आइकन सेटिंग्स को आप सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर कैसे आप सेट कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में, और कैसे स्टेटस और आइकन्स को शो कर सकते हैं, आप सेट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि स्टेटस और आइकन सेटिंग्स को सेट कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्टेटस वाला आइकन सेटिंग्स हैं, तो स्टेटस वाला आइकन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में स्टेटस वाला आइकन सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे। तो सिंपली सेटिंग्स शो हो रही हैं। स्टेटस बार सेटिंग, तो स्टेटस बार सेटिंग्स आपके फ़ोन में यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसको आप सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आपके पास हाइड एंड साइलेंट सेटिंग्स आ गई है, जहाँ से स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। जो भी आइकन्स हैं उनको हाइड कर सकते हैं, कोई भी आइकन स्टेटस बार पे शो नहीं करेगा, और ऑफ कर देंगे तो आइकन्स आपके स्टेटस बार में शो हो जाएंगे, जिसको आसानी से आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी स्टेटस बार आइकन्स को शो कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो बैटरी परसेंटेज को भी आप हाइड कर सकते हैं। कोई भी बैटरी परसेंटेज स्टेटस बार पे शो नहीं करेगी कॉर्नर पे, एंड आप इसको ऑन करते हैं तो स्टेटस पे शो हो जाएगी, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, आप शो भी कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में, और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर।